में सियासी पावर शो, चेयरमैन इमरान खान की क्यादत में पहली इंतखाबी रैली, गली गली नगर नगर वालेहाना इस्तकबाल। रैली के रूट बंद करने के बावजूद कारकुनों का जोश कम न हुआ। जमान पार्क से दाता दरबार तक आवाम का समंदर नजर आया। पीटीआई ने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इमरान खान की क्यादत में रैली, गली गली नगर नगर वालेहाना इस्तकबाल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जमान पार्क से रैली की क्यादत की। कारकुन कप्तान की गाड़ी के साथ पैदल चलकर दाता दरबार पहुंचे। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गयी। रैली के रूट पर कंटेनर और ट्रक खड़े करके रास्ते बंद करने के बावजूद कारकुनों का जोश कम न हुआ। जमान पार्क से दाता दरबार तक आवाम का समंदर नजर आया। पूरा रूट इसने सील किया हुआ है, जगह जगह इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। तो रैली में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको अब रास्ता ही नहीं देंगे तो कहाँ से आएंगे लोग? रास्ते बंद करके, कभी गिरफ्तारियाँ करके वो चाहते हैं कि आवाम के साथ हमारा डायरेक्ट रब्ता न हो पाए। यही तो बुकलाहट है, यही तो घबराहट है। रैली में शरीक पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, बबर शेर जब निकलता है तो पूरा पाकिस्तान निकलता है। अब तुम बिस्तर के नीचे या बाथरूम के अंदर कहाँ छुपोगी? पैगाम है मेरा नानी के लिए, बेटा तुम कालीन भी ले गई हो, घड़ियाँ भी ले गई हो, हीरे भी घर ले गई हो, आज हमारे नारे पहुँचने जाती और निकल आए और बता दिए कि बबर शेर जब निकलते है ना तो पूरा पाकिस्तान निकलते है। अब तुम कहाँ छुपोगी, बिस्तर के नीचे या बाथरूम के अंदर? फूड डिलीवरी का काम करने वाला नौजवान भी काम छोड़कर रैली में आ गया। अभी मैं काम पे था तो पता चला कि इमरान खान की रैली जा रही है, अचानक ही पता चला मुझे, मैं अपना काम बंद करके साथ आ गया। इमरान खान हमारी घर से निकल रहा है तो वो अकेला कितने निकलेगा, हमें सबको साथ निकलना चाहिए। जहां जहां रैली पहुंची लोगों ने आतिशबाजी से इस्तकबाल किया। जमान पार्क से निकलने वाली पीटीआई रैली धर्मपुरा पुल, ठंडी सड़क, अलगपाल रोड से होते हुए 5 घंटे में दाता दरबार पहुंची।